स्वागत है आप सभी का संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज पर। आज 21 जून 2020 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। ठीक है, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस देश से 9,500 अमेरिकी सैनिकों को ठिकानों से वापस लेने की योजना की पुष्टि की है? ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप कौन है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। उन्होंने अभी जर्मनी से अपने अमेरिकी सैनिकों को वहां से वापस हटाने की योजना की पुष्टि की है। अब क्यों की है? तो जर्मनी क्या है, इनके जो वेतन का परसेंटेज होता है वो जर्मनी को पे करना पड़ता है। ठीक है, तो वो प्रॉपर पे नहीं कर रहा है जर्मनी, और इसलिए आर्थिक तंगी के कारण अमेरिका ने इन सैनिकों को वहां से वापस हटाने की घोषणा की है। ठीक है, अब जर्मनी की बात है तो जर्मनी में अपॉइंट क्यों किए गए? तो एक सुरक्षा के इतिहास से अमेरिका ने कई देशों में अपने सैनिक नियुक्त कर रखे हैं। ठीक है, जैसे अफगानिस्तान में और भी कई कंट्रीज में अमेरिकी सैनिक नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो जर्मनी से अभी हटाने की पुष्टि किसने की है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है किस देश से? जर्मनी से। जर्मनी की बात है तो जर्मनी की राजधानी क्या है? तो बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। ठीक है, और यहाँ की जो चांसलर है वो कौन है? तो एंजेला मर्केल। कौन है? एंजेला मर्केल जर्मनी की चांसलर है। और जर्मनी एक चीज के लिए और जाना जाता है, एक व्यक्ति के लिए और, हिटलर कहाँ का था? तो जर्मनी का था हिटलर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ के जो वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है जर्मनी के, जो प्रेसिडेंट है जर्मनी के, जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो जर्मनी के प्रेसिडेंट है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। ठीक है, तो फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर जर्मनी के प्रेसिडेंट है। राजधानी यहां की बर्लिन है और एंजेला मर्केल यहां की चांसलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने नीट परीक्षा पास करने वाले सरकारी संस्थानों के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की? ठीक है, तो 10% आरक्षण देने की जो घोषणा की है वो किस राज्य ने की है? तो तमिलनाडु राज्य ने जो सरकारी संस्थानों में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, ठीक है, वो अगर नीट की एग्जाम फाइट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए उन छात्रों को 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया है। तो ये शुरुआत किसने की है? तमिलनाडु ने। अब तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। और तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो पलानी स्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और यहाँ की जो वर्तमान में जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, वो कौन है? तो बनवारीलाल पुरोहित। बनवारीलाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस बैंक ने भारत को 750 मिलियन डॉलर ऋण की स्वीकृति दी है? ठीक है, तो अभी हाल ही में देखिए AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसने अभी हाल ही में भारत को 750 मिलियन डॉलर का ऋण देने की स्वीकृति प्रदान की है। अभी ऋण क्यों दिया जा रहा है? तो कोरोना से लड़ने के लिए यह ऋण भारत को दिया जाएगा। ठीक है, अब जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 2016 में इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहां है? तो बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस राज्य ने प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाले पहले कोरोना मरीज को छुट्टी दी है? देखिए, ये देश का पहला मरीज है जिसे अभी हाल ही में प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने के बाद में छुट्टी दी गई है। ठीक है, तो
तो ये किस राज्य में है? तो कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू ठीक हुए अभी कोरोना मरीज को छुट्टी दी है। ठीक है, अब प्लाज्मा थेरेपी क्या है? तो देखिए, जो जो कोरोना का पेशेंट है उसका जब इलाज चल रहा होता है तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट हो जाती है। ठीक है, और उसके इलाज होने के बाद में उन एंटीबॉडीज का यूज दूसरे दूसरे किसी भी संक्रमित व्यक्ति या कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए यूज किया जाए तो उसे ही प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। ठीक है, तो अभी किस राज्य में हुआ है ये पहला मरीज ठीक प्लाज्मा थेरेपी से? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में ये हुआ है। प्लाज्मा थेरेपी की बात है तो आपको याद रखना है बांग्लादेश ने भी प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया था अभी हाल ही में। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया था किसने? बांग्लादेश ने। कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो बी एस येदुरप्पा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और वजूभाई वाला यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस आईटीआई ने प्रतिदिन 25,000 मास्क के उत्पादन की घोषणा की? देखिए, आईआईटी कानपुर ने अभी घोषणा की है कि वो दिल्ली के 25,000 मास्कों का उत्पादन करेगा और वो कौन से मास्क है? तो N95 और N99 प्रकार के जो मास्क है वो दिल्ली 25,000 मास्कों का उत्पादन आईआईटी कानपुर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, COVID-19 के परीक्षण के लिए देश की पहली मोबाइल लैब किसने लॉन्च की? तो COVID-19 के लिए देश की पहली जो मोबाइल लैब है वो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। ठीक है, तो कौन है वो? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने देश की पहली मोबाइल लैब कोरोना परीक्षण के लिए देश की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है। ठीक है, तो किसने लॉन्च की? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडीबी के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत तक संकुचित रह सकती है? एडीबी, देखिए एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला फिलीपींस में एडीबी का मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1966 में हुई। ठीक है, तो 2021 में एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो कितने प्रतिशत संकुचित रह सकती है? तो 4%। एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार 4% तक 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था संकुचित रह सकती है और अगर ये रिपोर्ट सही निकलती है तो इस हिसाब से 4% संकुचित रहने का मतलब है कि बहुत जो मतलब उद्योग वगैरह है उनको काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस पर भारत अपने सैन्य दल कहाँ भेजेगा? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जो है उसका विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 मई को मनाया जाता है द्वितीय विश्व युद्ध का विजय दिवस, लेकिन इस बार ये 24 जून को मनाया जाएगा। 24 जून को विजय दिवस मनाया जाएगा और कहां मनाया जाएगा? तो रूस में विजय दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो भारत अपने सैन्य दल कहां भेजेगा? तो रूस में भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और उनके साथ कुछ सेना की टुकड़ियां जाएंगी। ठीक है, तो भारत अपना सैन्य दल कहां भेजेगा? रूस भेजेगा। ठीक है, अब रूस की बात है तो रूस एक यूरोपियन कंट्री है, वैसे तो इसका पार्ट पहले यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया दोनों में आता था, लेकिन वर्तमान में इसका डिवाइडेशन हो चुका है। ठीक है, तो रूस की बात है तो रूस की राजधानी क्या है? तो मॉस्को।
मॉस्को उसकी राजधानी है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो रूस के राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं है, ये बाय मिस्टेक हो गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक अंग है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसके अभी हाल ही में अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो देखिए, इसमें कुल कुल जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। ठीक है, 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य हैं, और जो 10 अस्थायी सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 साल से बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो 10 जो अस्थायी सदस्य हैं उनमें हाल ही में जो चुना गया है वो चुना गया है, देखिए, आयरलैंड, भारत और मैक्सिको। आयरलैंड, भारत और मैक्सिको को चुना गया है। ठीक है, इन जो 10 अस्थायी देश जो चुने जाते हैं वो प्रत्येक 2 साल से चुने जाते हैं, और जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक तो यूएस, एक यूके, एक रूस, फ्रांस और चीन। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस और चीन, ये इसके स्थायी सदस्य हैं, और जो अस्थायी सदस्य हैं वो हर 2 साल से बदलते रहते हैं। अब भारत को भी इसमें शामिल किया गया है, तो भारत को कौन से कितनी बार इसमें वर्ल्ड यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें कितनी बार शामिल किया जा चुका है? तो इस बार 8वीं बार, 8वीं बार भारत को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में के आर सच्चिदानंदन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो देखिए, के आर सच्चिदानंदन जो थे वो एक निर्देशक थे, एक फिल्म निर्देशक थे, जो साउथ की मूवीज बनाया करते थे। ठीक है, तो साउथ मूवीज के निर्देशक थे के आर सच्चिदानंदन, जिनका अभी हाल ही में 18 जून को निधन हो गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो आज का अपना ये करंट अफेयर का सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, और संस्कार स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर भी करें। ठीक है, तो आज का सेशन यही पूरा करते हैं, कल एक नए सेशन के साथ में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।